हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ओहम्स लॉ के बारे में। क्योंकि थ्योरी में जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है बहुत डिटेल से, लेकिन एज ए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या इसका यूज़ यानी कि इस्तेमाल रियल लाइफ में करते हैं कि नहीं, आज के इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपके तक पहुँच जाए। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो है अपना एक प्लेलिस्ट बना दिया है बेसिक इलेक्ट्रिकल का। तो अगर आप एक बिगिनर है, आप जो है इंडस्ट्रीज में नए नए जॉब स्टार्ट किए हैं, तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस जो है देख सकते हैं, जिससे कि आपका इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डाउट्स क्रिएट होते हैं ना, मैंने सारा चीज़ उधर जो है सॉल्व किया है। तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। गाइस, मैं आपको सबसे पहले जो है ओहम्स लॉ बताऊंगा, और ओहम्स लॉ के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि ओहम्स लॉ से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों का कैलकुलेशन आप बहुत आसान तरीके से कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओहम्स लॉ के बारे में। गाइस, ओहम्स लॉ में सिंपल ये बताया गया है कि वोल्टेज जो है करंट का प्रोपोर्शनल है, यानी कि वोल्टेज अगर हमारा बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज अगर कमता है तो हमारा करंट जो है कमेगा। अब गाइस, जब आप इसके इक्वेशन को देखोगे तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग हटाएंगे तो हमें मिलेगा भी इक्वल टू आई आर। आर जो है कांस्टेंट है, और आर से जो है रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, आई से करंट और भी से वोल्टेज को। गाइस, अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आ गया भी इक्वल्स टू आई आर, इससे हम लोग जो है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों का जो है कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए 1.5 वोल्ट का जो है बैटरीज है, और एक जगह जो है 9 वोल्ट का बैटरीज है, और उससे अगर कोई बल्ब अगर कनेक्ट है तो कौन सा ज़्यादा ब्राइटनेस पे चलेगा? आपको पता है कि वो जो जिसका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, यानी कि जो 9 वोल्ट का बैटरीज है वो जो है बहुत ग्लो करेगा। तो इससे भी हम लोग बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज है ये करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज कमता है तो करंट जो है कमता है। अब देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपको बता दिया गया है कि वोल्टेज जो है 9 वोल्ट दिया गया है, और करंट जो है आपको दे दिया गया है 1 एम्पियर। तो इससे जो है आप लोग रेजिस्टेंस का फाइंड अप कर सकते हैं, और वो कैसे, आप स्क्रीन पे जो अभी फॉर्मूला देख रहे हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई। तो आप अगर ऊपर में वोल्टेज को और नीचे में अगर करंट को जो रेटिंग दिया गया है उसे अगर आप लिखोगे तो बहुत आसान तरीके से आप जो है रेजिस्टेंस को फाइंड अप कर सकते हो। दूसरा हो गया हमारा वोल्टेज और करंट, तो वी इक्वल टू तो आई आर हम सभी लोगों को पता है। इसमें आपको दो पैरामीटर्स दिए जाएंगे, एक रेजिस्टेंस, दूसरा करंट, जिससे आप जो है वोल्टेज को निकाल सकते हो, और दूसरा जो है वो है करंट। तो आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस अगर आप करोगे तो आप जो है करंट को बहुत आसान तरीके से फाइंड अप कर सकते हो। तो गाइस, इंडस्ट्रीज में आप जो है बहुत से ऐसे ड्राइव्स देखे होंगे, कार्ड्स वगैरह यूज़ होता है सिस्टम्स में, उस कार्ड्स में आप देखोगे कि छोटा छोटे जो है एलईडी लाइट वगैरह लगा होता है। तो वो 24 वोल्ट से तो ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमारा कंट्रोल सर्किट का जो भी कार्ड्स होते हैं वो कार्ड जो है 24 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है। तो अगर हम 24 वोल्ट उस एलईडी पे देंगे तो वो एलईडी जो है बर्न हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है उधर रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। तो गाइस, इंडस्ट्रीज में जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको ड्राइव्स के जो कंट्रोल पैनल है उसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस, और उसके साथ जो है एलईडीज का जो है कनेक्शन रहता है, जहाँ पर इस ओहम्स लॉ का बहुत मायने रखता है। आप वहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो कि आपका जो एलईडी है वो कितना करंट ले रहा है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो जो है कितना ओहम का है। गाइस, इन सब चीज़ों से जो है आप अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा शार्प कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको मेरे समझाने की टेक्निक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उसकी अपडेट आपके तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।